नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भानुदीक्षित। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के रुझानों में बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े को करीब करीब छू ही लिया है और बीजेपी ने जीत की ओर अपने आधे रास्ते को पार कर चुकी है। वहीं रुझानों को देखते हुए सत्तारूढ़ कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है। हालांकि अभी तक पूरा परिणाम घोषित नहीं हुआ है, लेकिन मतगणना के ज्यादातर रुझानों के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिनमें बीजेपी ने करीब 70 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। बाकी सीटों पर भी बीजेपी सत्तारूढ़ कांग्रेस से आगे चल रही है और जेडीएस तीसरे स्थान पर है। बीजेपी को कर्नाटक में हर वर्ग और जाति से वोट मिले हैं, जिसकी वजह उनकी जीत में उनकी राह आसान हुई है। तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की जोड़ी एक बार फिर सफल साबित हुई है। इस खास सेगमेंट में इसी पर करेंगे आज हम चर्चा। कर्नाटक में बीजेपी रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में भी वो नजर आ रही है। अब तक 70 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत चुकी है, तो करीब 40 सीटों पर आगे भी चल रही है। बीजेपी के लगातार बढ़ते कदम और खिलते कमल का जश्न दिल्ली से लेकर पटना और बेंगलुरु से लेकर हैदराबाद तक नजर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं येदियुरप्पा के घर के बाहर का ये दृश्य है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और मोदी, येदियुरप्पा और अमित शाह के जयकार के नारे लगा रहे हैं। और ये दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में लगातार जश्न का माहौल देखा जा रहा है। खुशी की लहर दौड़ रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं में। ये लगातार खुशी, ये माहौल न सिर्फ दिल्ली में है बल्कि पूरे देश के बीजेपी कार्यकर्ता और कार्यालयों पर ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। जगह जगह से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं, जहां कार्यकर्ता खुशी से झूम रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं और होली भी मना रहे हैं। जीत का जश्न एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं को नसीब हुआ है। लगातार जीत पर जीत और बीजेपी एक बार फिर जीती है कर्नाटक में। कांग्रेस का यहां फिर बंटाधार हुआ है। कांग्रेस के हाथ से कर्नाटक का किला ढह चुका है। ये नज़ारा हम आपको पटना का दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े तो ढोल नगाड़ों की धुन पर नाच गाना भी किया। होली और दिवाली एक साथ यहां नजर आई है। पटाखे फूटे हैं तो गुलाल अबीर भी लगाया गया है, मुंह मीठा किया गया है। ढोल नगाड़ों की तर्ज पर यहाँ नाच गाना भी हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। पटना का ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ता पटाखे फोड़ रहे हैं, मुंह मीठा कर रहे हैं, गुलाल अबीर लगा रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं कर्नाटक की जीत की। आखिर कर्नाटक का किंग बीजेपी को माना ही जा रहा है, लेकिन किंग मेकर के रूप में मोदी और अमित शाह की जोड़ी ही नजर आ रही है। इस बार भी अमित शाह का जादू कर्नाटक में चला है और एक बार वो फिर किंग मेकर के रूप में सामने आए हैं। ये बेंगलोर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। येदियुरप्पा के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां कार्यकर्ताओं में खुशी देखी जा रही है। जैसे जैसे रुझान आते गए और बीजेपी की पाले में सीटें गिरती जा रही थी, रुझानों के मुताबिक कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ता जा रहा था। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ रही थी, तो वहीं येदियुरप्पा ने सुबह पूजा भी की थी। पूजा अर्चना करने के साथ ही उन्होंने जीत की दुआ भी भगवान से की और भगवान ने उनकी सुन भी ली। बीजेपी के पाले में कर्नाटक को डाल दिया बीजेपी की झोली में, कांग्रेस से लेकर। ये येदियुरप्पा ने सुबह अपने यहाँ पूजा की थी और जैसे जैसे रुझान बीजेपी के पाले में आते गए, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दिखाई देने लगी। देश भर में जश्न मनाया जाने लगा। बीजेपी कार्यालयों में ढोल ताशे बजने लगे, पटाखे फूटने लगे, मिठाइयां बंटनी लगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा पसर गया। लगातार 13वीं बार कांग्रेस को मिली है हार। 20 राज्यों पर अपना परचम फहराने के बाद 21वें राज्य में भी बीजेपी ने अपनी जगह आखिर बना ही ली। कांग्रेस मुक्त भारत, बीजेपी में नरेंद्र मोदी का सपना था कि कांग्रेस मुक्त भारत हो और उसकी तरफ बीजेपी एक एक करके अपना कदम बढ़ाती जा रही है। और महज 3 राज्यों में कांग्रेस को समेट कर रख दिया, जिसमें पंजाब, पुडुचेरी और मिजोरम है। अगर पंजाब को छोड़ दें तो मिजोरम और पुडुचेरी बहुत ही छोटे से राज्य हैं। हालांकि पंजाब अपने आप में एक अहमियत रखने वाला समृद्धिपूर्ण राज्य है और वहाँ भी अमरिंदर सिंह ने अपने बलबूते पर ही कांग्रेस को जिताया है। माना जा रहा है कि इसमें राहुल गांधी की कोई ज़्यादा अहम भूमिका नहीं थी। तो ऐसे में एक बार फिर राहुल गांधी का नेतृत्व गुजरात और हिमाचल के बाद फिर फेल साबित हुआ है। यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि सरकार बनाने की कवायद में कांग्रेस जुड़ गई है। कांग्रेस कुमार स्वामी को सीएम बनाने के लिए तैयार हो गई है। सोनिया ने गुलाम नबी से बात की है। उन्होंने कहा है कि देवगौड़ा से बात करें और मिलकर पार्टी बनाएं। जेडीएस के साथ हाथ मिलाने की तैयारी में है कांग्रेस। अंतिम नतीजों के बाद यह फैसला लिया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। जेडीएस को सीएम का लालच तक दे दिया है कांग्रेस ने। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। कांग्रेस ने कुमार स्वामी को सीएम बनाने तक की पेशकश कर दी है। सोनिया गांधी ने गुलाम नबी से देवगौड़ा से बात करने को कहा है। जेडीएस के साथ हाथ मिलाने की तैयारी में है कांग्रेस। 73 सीटों पर कांग्रेस है और जेडीएस 41। अंतिम नतीजों के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये पेशकश कांग्रेस ने जेडीएस के सामने रखने के लिए तैयार हो गई है। सोनिया गांधी ने कहा है कि कवायद, सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी जाए। गुलाम नबी से कहा है कि वो देवगौड़ा से बात करें। जेडीएस से हाथ मिलाने के लिए कांग्रेस ने जेडीएस के सामने ये पेशकश रखी है। हाथ दोनों अगर गठबंधन की सरकार बनाने के लिए तैयार हैं तो वो सरकार बना सकते हैं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ये बड़ी पहल शुरू कर दी गई है सरकार बनाने के लिए। जेडीएस के साथ हाथ मिलाने के लिए भी कांग्रेस अब तैयार है। किसी तरह कर्नाटक की सत्ता बचाने के लिए कांग्रेस ने कवायद शुरू कर दी है। जेडीएस के सामने गठबंधन की पेशकश भी कर दी है। कुमार स्वामी को सीएम बनाने तक का लालच कांग्रेस ने रखा है। गुलाम नबी से सोनिया गांधी ने कहा है कि वो जेडीएस के देवगौड़ा से बात करें और सरकार बनाने के लिए उन्हें राजी करें। हालांकि अंतिम नतीजों के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये पेशकश, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि कांग्रेस ने यह पेशकश जेडीएस के सामने रखने के लिए कांग्रेस तैयार है। गुलाम नबी को देवगौड़ा से बात करने के लिए कहा गया है। जेडीएस के साथ हाथ मिलाने की तैयारी में है कांग्रेस। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने है कि कैसे कर्नाटक के किले को बचा लिया जाए, कर्नाटक की सत्ता को हाथ से जाने ना दिया जाए। हालांकि चुनावों में बहुत ज़्यादा कांग्रेस असर दिखा नहीं पाई है, जबकि पिछले 5 साल से कांग्रेस के हाथ में सत्ता थी। फिर भी वो कर्नाटक की जनता को प्रभावित करने में नाकामयाब रही और आखिर में बीजेपी ने चंद दिनों में ही कर्नाटक की जनता का विश्वास जीत लिया और बीजेपी 106 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। रुझानों में कांग्रेस 73 सीट पर और जेडीएस 41 सीट पर। अगर यहां देखा जाए तो जेडीएस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। उसने कर्नाटक में खुद को स्थापित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। माना यह भी जा रहा है कि जो 41 सीटें कांग्रेस को मिलनी थी वो जेडीएस के खाते में चली गई हैं। तो पटना से प्रेम रंजन पटेल बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे सहयोगी देवेंद्र कुशवाहा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। सबसे पहले शुभकामनाएं कर्नाटक में जीत की ओर बढ़ने के लिए। चलिए आप सब लोग धन्यवाद, इसके लिए सभी लोगों को शुभकामना है। प्रेम रंजन जी बहुत जल्द ही एक बार फिर आपको जश्न मनाने का मौका मिला है गुजरात और हिमाचल के बाद। जरूर, कर्नाटक की जनता ने मुझे जो समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों के प्रति अपनी मोहर लगाई है, जो विकास के कार्य चल रहे हैं उसके लिए कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामना है और धन्यवाद भी है। प्रेम रंजन जी, कर्नाटक की जनता ने विश्वास दिखाया है बीजेपी पर, क्या बीजेपी पूरी तरह से खरी उतरेगी उस विश्वास पर? जरूर। कर्नाटक में लगातार पहले कांग्रेस की सरकार थी जी, और कांग्रेस की सरकार अलोकप्रिय हो गई थी। खुद सिद्धारमैया एक विधानसभा से 33,000 वोटों से चुनाव हार चुके हैं जी, और लगातार वहां किसानों की हत्या हो रही थी। जिस प्रकार से वहां के समुदाय को बांटने की कोशिश की गई, लिंगायत को धर्म की मान्यता देकर करके, और वहां जो सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे वो कमीशन मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते थे। तो पूरी तरह से जो ऐसे अलोकप्रिय सरकार हो गई थी और उससे मुक्त होना चाहती थी कर्नाटक की जनता, और वो कर्नाटक की जनता ने इस बात पर मोहर लगाई है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी को पूरी समर्थन, खास कर करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कार्यों के प्रति उन्होंने अपना विश्वास जताया है। बीजेपी लगातार कांग्रेस के किले ढहाती जा रही है एक एक कर, क्या कारण है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी उसको धराशायी करते हुए बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया? नहीं, ये अब तक आजादी के बाद कांग्रेस ने देश के लिए काम नहीं किया, देश पर केवल शासन करने का काम किया, लोगों को बरगला कर करके केवल रखने का काम किया। अगर देश के अंदर में काम क्यों रहती तो इतनी अलोकप्रिय कांग्रेस नहीं होती। कांग्रेस को तो समाप्त कर देना चाहिए था पहले ही। महात्मा गांधी ने आजादी के बाद कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद एक परिवार ने कांग्रेस पर अपना कब्जा जमा कर करके और देश पर कब्जा करने की कोशिश की, देश पर शासन करने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए कांग्रेस से मुक्त भारत का नारा दिया, और इससे पूरा भारत, पूरा देश आज 3 राज्यों में सिमट कर रह गई कांग्रेस। प्रेम रंजन जी, 3 राज्यों में सिमट कर रह गई है, 4था राज्य कर्नाटक था वो भी हाथ से खिसक गया है। अब ऐसे में राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार हार का सामना कर रही कांग्रेस को कितना और मंथन करने की जरूरत है? लगातार 13 बार हार चुकी है कांग्रेस, बार-बार मंथन चिंतन, लेकिन उसका नतीजा कुछ निकलकर सामने नहीं आ रहा है। कांग्रेस को अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए। मैंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत, उनको अपनी कोई नई नाम से कोई पार्टी बनानी चाहिए। और कि राहुल गांधी के लगातार कांग्रेस के अंदर में कद बढ़ते जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार सिकुड़ती जा रही है। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष बनने के बाद भी जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों में उनकी करारी हार हुई है। तो अब लेकिन प्रेम रंजन जी जब कांग्रेस की हार हुई है वो वापस सत्ता में भी आई है। प्रेम रंजन जी, राजनीति का ये तकाजा रहा है कि जो सत्ता से बाहर जाता है वो सत्ता में आता भी है। कांग्रेस के साथ भी यही हुआ है, जब जब वो सत्ता से बाहर गई है वापस भी आई है। 77 का ले लीजिए, 98 ले लीजिए, 2004 ले लीजिए। अब पहले वाली स्थिति अब नहीं है। पहले जो सरकारें होती थी केवल कांग्रेस के खिलाफ जो ऐसे एकजुटता होती थी, विभिन्न विचार वाली पार्टियां, विभिन्न नीतियों वाली पार्टियां एक साथ मिलकर के केवल कांग्रेस को हटाने के लिए साथ होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी अपने विचार के कारण, अपनी विचारधारा के कारण पूरे देश के लोगों पर जो ऐसे उनके दिलों में समा गई है। और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से मुक्त का नारा दिया है। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व एक ऐसा उभरा है नरेंद्र मोदी के पक्ष में, और जिसके कारण अब कांग्रेस को कभी वापस नहीं आ सकती है। इसलिए उस देश के लोगों को एक अच्छा और बढ़िया नेतृत्व प्राप्त हो गया है जो काम करने वाली है, जो केवल नारों पर आने वाली नहीं है, देश को लड़ाने वाली नहीं है, देश के विकास। प्रेम रंजन जी खबर आ रही है कि कांग्रेस ले जाने वाली सरकार है, वैसा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को मिल गई है। प्रेम रंजन जी, खबर आ रही है कि कांग्रेस जेडीएस से हाथ मिलाने के लिए भी तैयार है। अब वो अलग अलग विचार वाली पार्टियां अलग अलग विचार के आधार पर लड़ी है। अगर दोनों एक हो जाती है तो सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा बीजेपी का। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। अगर होंगे तो ये कर्नाटक के साथ धोखा होगा। कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उसने बनाने का काम किया है। और दो अलग अलग विचार वाली पार्टियां, दो अलग अलग नीतियों वाली पार्टियां अगर एक साथ जाती है तो ये कर्नाटक के साथ धोखा होगा। और तो ऐसा तो बिहार में भी हुआ है। बिहार में भी तो राजद को 80 सीटें मिली थी बिहार में, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने बीजेपी से हाथ मिला लिया। क्या वो धोखा नहीं था? नहीं, नीतीश कुमार 17 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे थे और वहां धोखे से नीतीश कुमार मजबूरी बस गए थे, उनके साथ गए थे। और बाद में नीतीश कुमार ऐसी क्या मजबूरी थी? उनको लगा कि मैंने गलती किया है और उसको उन्होंने सुधार करने का काम किया, राजद के साथ हटने का काम किया। इसलिए कि राजद कभी विकास का काम नहीं करती है। राजद ने विनाश किया था बिहार को। हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, घोटाला, ये सारे काम करने का काम किया था। और नीतीश कुमार और राजद के लोगों में काफी अंतर है। नीतीश कुमार जहां विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। प्रेम रंजन जी आपको रोकेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मानचंद खंडेला जी जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है खंडेला जी आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद खंडेला जी। समीकरण कर्नाटक में एकदम से बदल गए, बीजेपी की बड़े पैमाने पर जीत होती दिखाई दे रही है। देखिए, सवाल जीत की बात तो आप बताइए, लेकिन सवाल यार ये समीकरण की जो बात कर रहे हैं वो समीकरण अभी भी बदल सकती है। अगर कांग्रेस पार्टी अपने सीएम पद को वापस ले ले और जो देवगौड़ा जी के जो पुत्र जी हैं उनको सीएम बना दें जी, तो ये अभी भी बन सकता। अब जहां तक अभी मैं सुन रहा था जी, वो तो जो है ना पवित्र गठबंधन है और ये अपवित्र गठबंधन है। मैं समझ रहा हूँ कि पवित्रता और अपवित्रता तो उस समय समाप्त हो गई जब बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह कहा कि आज की राजनीति की और जीतने की राजनीति है, और उसके बाद में कुछ नहीं है। और ये जीत के लिए जो है प्रधानमंत्री सीधा मुकाबला करते हैं एक राज्य के मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री से भी ऐसे मुकाबला करते हैं जैसे कि कोई पार्षद का इलेक्शन हो रहा हो। तो ये बात तो खराब मत करिए। अब मैं यहाँ पे संदर्भित बात एक दो ये कहना चाह रहा हूँ। हमने ये मान लिया कि कांग्रेस पार्टी स्ट्रेटेजी बनाने में कमजोर रही, उनके पास में इवेंट मैनेजमेंट के कोई मैनेजर नहीं है, मीडिया मैनेजमेंट उनका नहीं है, लीडर एक ऐसा नहीं है जो कि वास्तव में पूरे सब लोगों को एक साथ कर सके, प्रभावित कर सके। और जहां तक सवाल यह कि वहां चाहे हम कहीं भी देखें हर राज्य में कांग्रेस जो है व्यक्तित्व के आधार पर बटी हुई है जी। और ये जो चीज है और वहां जो कुछ कर्नाटक में हुआ वो निश्चित रूप से सीएम का हुआ, लेकिन श्रेय हम राहुल गांधी को देना चाह। ये जो चीजें है ना ये वास्तव में कांग्रेस पार्टी को फ्रंट फुट पर नहीं ला पा रही है जी। एक बात तो मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि जहां तक रीति नीति सिद्धांत मर्यादा परंपरा इनकी बात है, मैं समझता पिछले 4 साल में राजनीति में ये सब समाप्त हो गए। और इसके लिए दोष किसी को नहीं दे रहा हूं मैं, दोष ये किसी को कम है किसी को ज्यादा है, लेकिन सवाल है कि अब जब सत्ता पे आना ही राजनीति रह गई है और उसके बाद में कुछ नहीं। मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, कांग्रेस पार्टी के समझ में ये नहीं आया कि नोटबंदी के बाद में। जी खंडेला जी आपको रोकेंगे, हमारे साथ संगीता गर्ग कांग्रेस नेता जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है संगीता जी न्यूज इंडिया पर। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर संगीता जी। नमस्ते, थैंक यू। संगीता जी कर्नाटक में एक और आपका किला ढह चुका है, 4 में से 3 राज्य अब कांग्रेस की झोली में पड़े हुए हैं। देखिए ये जो आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि आपने पिछले 4 सालों में देखा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक बेशवस काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी डराने की, धमकाने की, भयभीत करने की राजनीति कर रही है। और जिस तरीके से संगीता जी 5 साल से कर्नाटक में सिद्धारमैया जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी विश्वास नहीं जीत पाई। देखिए वहाँ पर सिद्धारमैया जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनके खिलाफ जनता नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात ये फिर ऐसा क्या हो गया कि जान कुछ और ही बोल रहे हैं। आप सुनेंगे ना तो देखिये वहाँ पर मोदी जी ने जिस तरीके से कहा और वहाँ की जनता ने इस चीज को भुगता भी है कि कर्नाटक से जिस तरीके से सोतेला व्यवहार किया जा रहा था, तो जनता को ये लग रहा था कि ये अगर फिर से हमारे साथ सुतला व्यवहार होता रहेगा, यहाँ पर विकास कुछ हो नहीं पाएगा, तो एक वो बहुत बड़ा कारण रहा। दूसरी चीज कि जिस तो क्या मजबूरी में जनता ने वोट दिया है। और अब मैं आपको और भी चीजें बता रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रबंधन करके, साम दाम दंड भेद अपनाकर सिर्फ उनको सत्ता हासिल करनी होती है। उसका हमने एक बहुत बड़ा जो उदाहरण था वो भी हमने देखा कि भाजपा की जो पार्षद है उसके पास बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में फर्जी वोटर आईडी कार्ड पाए जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है छद्म राजनीति करती है, साम दाम दंड भेद की रीति नीति अपनाकर किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करने का इनका उद्देश्य रहता है जी। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री की गरिमा किस हद तक गिर जाती है कि आप क्या देखना चाहते हैं। वहाँ पे क्या चुनाव हो रहा था कि राहुल गांधी जी के सामने उनको अपनी, मोदी जी को अपनी सभाएं बढ़ानी पड़ी, रैलियों का दौरा बढ़ाना पड़ा, और अमित शाह जी विपक्ष के पूरी रणनीति सिद्धारमैया जी के हाथ में थी इस बार। सारे फैसले सिद्धारमैया जी ले रहे थे, सारी रणनीतियां वही तैयार कर रहे थे, लेकिन ऐसी खामी कहां रह गई कि जनता ने विश्वास नहीं किया कांग्रेस पर, जबकि पिछले 5 साल से विकास के कार्य, बाकी अन्य मुद्दे कांग्रेस के हाथ में थे। हमारा मैंडेट कोई कम नहीं हुआ है, कांग्रेस में आज भी जनता की आस्था है, विश्वास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो JJJ पर ये काम करती है कि झूठ बोलो, जल्दी बोलो, जोर से बोलो। विकास पर कोई बात करेगी नहीं कि विकास की कोई अवधारणा हमारी है या विकास के मुद्दे हमारे पास है। ये इसका जवाब प्रेम रंजन जी देंगे। प्रेम रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी के नेता हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, जी संगीता जी कह रही है कि झूठ बोलती है बीजेपी, बलगराती है, हवा बनाती है। नहीं, बीजेपी अगर झूठ बोलती तो लगातार जितने राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में लगातार जीत नहीं होती और जनता विश्वास नहीं करती, देश की जनता विश्वास नहीं करती। झूठ कोई एक बार बोल करके ले सकता है, लेकिन 4 साल से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोग लगातार विश्वास व्यक्त करते जा रहे हैं। अब ये 5वां साल चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में भी राज्यों के अंदर में चुनाव हो रहे हैं, उन राज्यों में समर्थन जैसे भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। इसके पहले भी आपने देखा कि गुजरात के चुनाव हुए, हिमाचल के चुनाव हुए, उन सभी राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला। तो ये तो कांग्रेस का झूठ अब पर्दाफाश हो गया। कांग्रेस लगातार झूठ बोल करके और देश की जनता को बरगला करके अब तक शासन करती रही। अब तक जो ऐसे जिस प्रकार से झांसे देती रही कांग्रेस, अब जो ऐसे देश की जनता उनके झांसों में आने वाली नहीं, उनको समझ चुकी है। अब इसलिए उनसे मुक्त जो ऐसे, मैंने कहा कि गांधी जी के सपनों को साकार नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा था कि भाई कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए आजादी के बाद। कांग्रेस केवल आजादी के लिए बनी थी, लेकिन एक परिवार ने कांग्रेस पर कब्जा कर करके और उस आजादी की लड़ाई को गुना कर करके और देश पर कब्जा कर लिया था। और महात्मा गांधी के सपनों को साकार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस स्वतंत्र भारत और देश की जनता ने स्वीकार किया है। आज बाईस राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। हेलो जी जी संगीता जी जी रखिए अपनी बात रखिए। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रही है, ये उस मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे है जो कभी हकीकत में तब्दील हो ही नहीं सकते। जो जिस परिवार की ये बात कर रहे हैं उस परिवार के लोगों का त्याग और बलिदान देश की जनता को भलीभांति, देश की जनता भलीभांति उससे परिचित है, समझती है, जानती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का देश की आजादी में या देश के लिए क्या योगदान है, खून का एक कतरा इन्होंने बहाया नहीं। किस मुंह से ये किस तरह की बातें करते हैं, अशोभनीय बातें ये करते हैं। और इनके प्रदेश अध्यक्ष और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, वो विपक्ष के नेताओं को कुत्ता और बिल्ली तक कह देते हैं कि राजनीति में ना कोई भाषा की संयमिता है, ना कुछ पद की गरिमा है। पद की गरिमा इन्होंने जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा, एक गरिमा में पद होता है, उसको इन्होंने बिल्कुल बॉटम में ये लोग। संगीता जी बात पद की गरिमा और जो बयानबाजियां हुई उसकी नहीं हो रही है, बात है अब कितना और मंथन करेगी कांग्रेस। हर हार के बाद सुनने को यही मिलता है कि कांग्रेस मंथन करेगी। क्या कांग्रेस, क्या राहुल गांधी का नेतृत्व यहाँ सफल नहीं हो पा रहा है? देखिए अगर राहुल जी के नेतृत्व को पसंद नहीं किया जाता तो गुजरात के चुनाव में भी आपने देखा कि राहुल जी ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबवा दिए थे और मोदी जी को वहां पर भी किस तरीके से रैलियां, ताबड़तोड़ रैलियां करनी पड़ी थी। और कर्नाटक चुनाव में भी आपने देखा कि जो भय भारतीय जनता पार्टी को था, मोदी जी को अपनी सभाएं बढ़ानी पड़ी। तो राहुल जी में नेतृत्व क्षमता है और राहुल जी को जनता पसंद कर रही है क्योंकि वो एक इनोसेंट और सच्चे इंसान हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मोदी जी हैं, ये जो इनके झूठे दावे थे उनकी पोल खुल चुकी है। वो सिर्फ खोखले वादे साबित हुए और फरेबी जुमले जो इन्होंने करे उनकी पोल खुल चुकी है। निश्चित रूप से जो इनके चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, चाहे मोदी जी, ये दोनों मिलके देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और देश की अखंडता पर संगीता जी हमारे सहयोगी देवेंद्र कुशवाहा हमारे साथ हैं। जी जी देवेंद्र जी। संगीता जी मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि अगर जो लगातार भाजपा बराबर जुमले झूठ बोलती है, फिर भी जहां आपकी सरकार है वहां वो कैसे सत्ता में आ जाती है? देखिए देवेंद्र जी, मैंने शुरू में भी एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो इनका ना कोई विकास का मुद्दा था, ना कोई जनता के लिए कुछ काम करने का मादा था, ना ये सोचते कि युवाओं को रोजगार कैसे मिले, महिलाओं को सुरक्षा कैसे मिले, किसानों का उनका हक और अधिकार कैसे मिले। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही इनका जो उद्देश्य था वो था 2019 का चुनाव और आने वाले। लेकिन आपकी सरकार थी, आप तो ये सारी जो सहूलियतें हैं वो तो आप देती थी अपनी जनता को, फिर भी आपको जनता ने नकार दिया। देखिए मैंने आपको जैसा पहले कहा कि कर्नाटक की जनता को पहले भी सौतेला व्यवहार केंद्र से भुगतना पड़ा है और फिर मोदी जी ने तो वहां पर वही बात की, राजनीतिक द्वेष पर जिस तरीके से कार्रवाई करते हैं वो किसी से छिपी नहीं। इनके ये कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और फिर भ्रष्टाचार में लिप्त जो थे येदियुरप्पा जी और रेड्डी बंधु। संगीता जी आखिर आप कहना क्या चाहती है? क्या आपका मतलब यह है की कर्नाटक की जनता डर के दी है वोट, भाजपा की मजबूरी में जनता ने दिया है वोट? देखिए निश्चित रूप से मैं जो चीज कह रही हूँ उसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक द्वेष पर काम करती है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है और भारत की देश की जनता को डराने धमकाने का काम करती है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। चाहे हमने वो बिहार के चुनाव में भी अमित शाह जी के बयानों को हम भूले नहीं है या देश की जनता भूली नहीं है कि अगर आप वोट नहीं करोगे तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तो जिस तरह की भाषा शैली इनकी रही है तो हम इससे दरकिनार नहीं कर सकते कि मानचंद खंडेला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानचंद जी जो रीति नीति है उस पर संगीता जी का कहना है कि सौतेला व्यवहार हुआ था इसलिए जनता ने, जब विकास नहीं हो रहा था तो इसलिए जनता ने बीजेपी को वोट दे दिया। देखिए मैं केवल ये जिस तरह संगीता जी बोल रही है कांग्रेस के पर मुझे हंसी भी आ रही है और मुझे दया भी आ रही है। इनकी यही स्थिति है कि एक व्यक्ति ने ये कहा कि घुड़दौड़ के मामले में मेरे पिताजी बहुत माहिर हैं दौड़ प्रारंभ होने के पहले बता देते हैं कौन सा घोड़ा जीता और खत्म होते ही बता देते हैं वो क्यों हारा जी। ऐसी स्थितियां इनकी हो रही है। मैं कह रहा हूं लगातार 22 राज्यों में हार, और उसके बाद में वही जुमलेबाजी, मतलब वो अलग तरह की जुमलेबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस अलग तरह की जुमलेबाजी कर रही है। मैं अभी आपसे कह रहा हूं, संगीता जी से ये नहीं बन पाया। अभी उन्होंने कहा कि गांधी जी के सपने को जो है वास्तव में पूरा कर रही बीजेपी। अरे गांधी जी का सपना था ग्राम स्वावलंबन, आपका क्या है विश्व स्वावलंबन। गांधी जी का सपना यह था कि वास्तव में दरिद्रोद्धार, आपका सपना क्या 71% संपत्ति 1% व्यक्तियों के पास। गांधी जी का सपना वास्तव में था कि छुआछूत को दूर करना, और अभी क्या है दलितों को बर्बाद करना। यह है ऐसी ऐसी बातें। जो सवाल ये कि संगीता जी को मैं माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं, आप पढ़ना शुरू करें, लिखना शुरू करें, विचार करना शुरू करें, वार्तालाप करना शुरू करें, समझना शुरू करें, समझना शुरू करें। अब वो नहीं। अब देखिए सवाल ये आ रहा है कि बीजेपी ये कह रही है जीतना ही राजनीति है, और आपने क्या तय कर रखा हारना ही राजनीति है। अब अगर ऐसा कुछ होगा तो वास्तव में कांग्रेस रिवाइव नहीं कर। अच्छा मैं देखिए कांग्रेस से मेरे को लेना देना नहीं, मेरा ये लेना देना यह है कि देश में प्रतिपक्ष जो है मजबूत होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। और आप क्या कह रहे हैं कि वो सामंतशाही का व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार करवा कौन रहा है, आप करवा रहे हैं। तो मैं एक दो बातें इस संदर्भ में और कहना चाह रहा हूं। ये जो चुनाव हुए हैं ना, वो वास्तव में मैनेजमेंट के चुनाव है, मीडिया मैनेजमेंट के चुनाव है, धन बल के चुनाव है, राज बल के चुनाव है, भाषणबाजी के चुनाव है, और वास्तव में जुमलेबाजी के चुनाव हैं, और जो असली मुद्दे हैं उनसे पलायन कर देने के चुनाव हैं। और ये चुनाव ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल असक्षम है, संगठन के तौर पर कमजोर है, नेतृत्व के तौर पर कमजोर है। उनका नेतृत्व तो बिल्कुल 10% भी नहीं है बीजेपी के नेतृत्व के सामने। और सवाल ये कि कांग्रेस को यह भी देखना चाहिए ना कि कितने सामाजिक कार्यकर्ता, कितने कार्यकर्ता किस तरह से काम करते हैं। अब मैं एक दो उदाहरण आपके सामने देना चाहूँ। संगीता जी यहाँ पर है। सेवा दल के बारे में कभी कहा गया था कि वो आरएसएस का प्रतियोगिता करने वाला है, आज सैल्यूट मारने वाला है खाली। अगर जन्म जयंती या मृत्यु जयंती है तो वो जो फूल की पंखुड़ी है ना, वो पकड़ाते हैं सेवा दल के कार्यकर्ता और नेता उसको चलाते हैं। मैं ये कहना चाहता, विचार विभाग ये सबसे बड़ा काम है। विचार के आधार पर किसी जवाब में साम्यवादी जो है कांग्रेसियों को विचार के लिए देते थे, आज विचार विभाग क्या कर रहा है, इंटेलेक्चुअल सेल क्या कर रहा है, टीचर सेल क्या कर रहा है, महिला जो कांग्रेस है वो क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही। युवा कांग्रेस क्या कर रही है, मैं माफ करें, वो केवल जो है एक तरह से लाइसेंस जैसे जो है फोटोग्राफ्स अपने पास में रखते हैं और उसके आधार पर कुछ काम करते हैं अपना। तो ये जो कुछ है ना वो नहीं होगा। अब कम से कम नए जमाने से, नए तरीके से टेक्नोलॉजी का कितना उपयोग कर रहे हैं आप। अब मैं संगीता जी को कहना चाह रहा हूँ, शहर कांग्रेस, जयपुर शहर कांग्रेस की जो वेबसाइट है उस पर बहुत दिनों तो यह रहा कि कागजी उसके अध्यक्ष हैं शहर कांग्रेस के, जो कांग्रेस जमात इसमें मुल्क धरती पर ही नहीं थे। खंडेला जी, ये कांग्रेस की हार का आप मुख्य वजह क्या मानते हैं? क्या कांग्रेस के पास नीति और नेतृत्व की कमी थी? देखिए मैं ये कहना, हार नेतृत्व की थी, नेतृत्व जो है वालीता की इस बनाने की चिंता नहीं, उनको समय तरीके से काम करने की चिंता नहीं है, कार्यकर्ता सोसाइटी पर प्रोसेस क्षमता नहीं। जी 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 संगीता जी, इनके पास में धन की बहुत ज्यादा कमी है। संगीता जी जानती हैं, यहाँ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी को चलाने के लिए चंदा लेना पड़ता है, और कोई भी जो है ना धनपति जो है उनको चंदा देने को तैयार नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि आने वाला समय कांग्रेस का नहीं है, इसलिए इनको चंदा देना बेकार है। एक दूसरी बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो युवा जो लोग है ना, देखिए एक बात मैं बताऊँ, पिछले दिनों कांग्रेस ने अभियान चलाया कि डायरेक्ट हम दोनों अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे बात करेंगे, फोन करेंगे कार्यकर्ता। अरे कांग्रेस वालों को मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस ही जो है ना, कांग्रेस ही जो कांग्रेस विचारधारा से वो ढाणी ढाणी में, गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में उनसे संपर्क करवाओ। जो जो यहाँ के जो कार्ड लेके चलते हैं ना, उनसे कोई काम नहीं चलने वाला। अब इनकी इतनी बातें कौन समझाए इनको? सवाल जी खंडेला जी, आपकी बात पहुंच चुकी है संगीता जी तक। जी जी संगीता जी, हेलो। हाँ जी जी कहिए। आवाज डिस्कनेक्ट आ रही थी मेरे पास, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ, तो कांग्रेस अब किस बात पर मंथन करेगी, जबकि अब कांग्रेस के आगे राजस्थान का चुनाव भी है, मध्य प्रदेश का भी चुनाव है। बड़ी चुनौती अब कांग्रेस के आगे खड़ी हो गई है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के चुनाव कैसे फतेह करेगी। देखिए खंडेला जी कुछ कह रहे थे तो मेरे पास क्या आवाज डिस्टर्ब आ रही थी, पूरी बात मैं सुन नहीं पाई। लेकिन आपने कहा कि राजस्थान में चुनाव है, तो राजस्थान में तो आप ये देखिए अभी उपचुनाव भी हुए थे और 22 में से 20 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। तो यहाँ की जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके खिलाफ तो इनका संगठन खुद ही विरोध में खड़ा है, लोग इनका संगठन विरोध में। अभी तक ये प्रदेशाध्यक्ष नहीं दे पाए हैं। वो खैर इनकी बात है, ये प्रदेशाध्यक्ष का वो बीजेपी के अपने घर की बात है मैडम। लेकिन राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के शासन, जिसको हम कहें कुशासन, से पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी। और आप, मैं ये कहूँ कि राजस्थान की नहीं अभी तो देश की जनता त्रस्त थी, लेकिन एक चीज मैं उसको खुद स्वीकार करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैनेजमेंट अच्छा करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेतृत्व अच्छा है बीजेपी के पास। सुनिए, नेतृत्व नहीं, चुनावी मैनेजमेंट, रणनीतियाँ तो है ही, चुनावी मैनेजमेंट अच्छा है और उसी चुनावी मैनेजमेंट के जरिए ये लोग चुनाव भी जीतते हैं। लेकिन हम उस चीज से भी इनकार नहीं कर सकते कि वहाँ पर जो वोट फर्जी वोटर आईडी पाई गई, तो वो भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि फर्जी वोटर आईडी पाई गई है, वो इनके भाजपा की जो प्रार्थक थी उनके पास पाई गई है। तो भारतीय जनता वो चुनाव आयोग का काम है मैडम जांच करना, उसकी चुनाव आयोग उसके लिए जांच कर रहा है। सुनिए, जांच करना एक अलग विषय है और भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो राजनीतिक द्वेष कांग्रेस के लोगों पर तो कार्रवाई करवाती है लेकिन अपने लोगों को बचाती है। चाहे हम मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले की बात करें तो शिवराज सिंह जी पर आज तक कोई जांच नहीं बिठाई गई, राजस्थान की बात करें तो वसुंधरा जी पर आज तक कोई जांच बिठाई नहीं गई, जबकि यहाँ पर ललित रेड्डी घोटाला हुआ, खान घोटाला हुआ, मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला हुआ, महाराष्ट्र का पंकजा मुंडे घोटाला, बिहार में आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर जांच बैठाई गई। वही चीज मैं यही तो कह रही हूँ कि राजनीतिक द्वेष पर ये कार्रवाई करवाते वहाँ चुनाव के दौरान। जी जवाब लेंगे प्रेम रंजन जी से। प्रेम रंजन जी, चुनाव लालू जी पर जांच भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बैठाई है जी, लालू जी जब सत्ता में थे। लेकिन संगीता जी का मानना यही है कि अपने अपनों को बचा लेती है बीजेपी। जी संगीता जी का मानना है कि अपनों को बचा लेती है बीजेपी। नहीं, हम बचते, भारतीय जनता पार्टी न किसी को फंसाती है न बचाती है, भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम करती है और कानून अपना काम करता है। भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए काम करती है और इसलिए जनता का लगातार समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता जा रहा है। उन राज्यों में अगर हम उनके लिए काम नहीं करते, उनके दिल को नहीं जीतने का काम करते, उनके विकास के कार्यों को नहीं करते, उनका समर्थन कैसे मिलता? लगातार जिन राज्यों में कांग्रेस बड़े बड़े गवर्नर खड़े करने की कोशिश राज्यों में की है। जी जी संगीता जी, आवाज आ रही है आपकी। तो वहाँ कांग्रेस की सरकारें आलोकिया हो जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन जा रही है, भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रहे हैं और ये कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। आज कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे सामने जो प्रतिनिधि बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे चीज पूछना चाहती हूँ। प्रेम रंजन जी, प्रेम रंजन जी, प्रेम रंजन जी, संगीता जी का एक सवाल है आपसे, सुन लीजिए। संगीता जी का सवाल सुन लीजिए। देखिए जो प्रेमचंद जी है ना सामने, जी प्रेमचंद जी ऐसा कह रहे हैं कि हम प्रेम रंजन पटेल जी है, हमने काम किया और हमने योजनाएं बनाई और जनता का मैंडेट हमारे साथ है। तो मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ कि प्रेमचंद जी मुझे इस बात का जवाब दे कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर ये सवाल कांग्रेस से करती रही कि आपने 60 साल शासन किया, तो जब हमने 60 साल शासन किया है तो जनता का मैंडेट हमारे साथ था, विश्वास हमारे साथ था, क्योंकि कांग्रेस की हमेशा रीति नीति रही कि विकास के मुद्दे पर हमेशा काम करना एक सिद्धांत था। और किसी भी पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा होता है उसके लिए भी एक सोच थी, इसीलिए बहुत सारी योजनाएं जो ऐसी थी, चाहे वो मनरेगा योजना थी, वो भी कांग्रेस की देन थी। और जब सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी तो इन लोगों ने तो मनरेगा योजना को भी बंद करने की ठान ली थी, लेकिन कांग्रेस ने आंदोलन किया और परिणामतः मोदी जी को उसके ऊपर रोल बैक होना पड़ा। संगीता जी, ऐसे ही जो संगीता जी, कांग्रेस तो अभी तक यही नहीं तय कर पाई है कि आधार का विरोध करना है या उसके साथ जाना है, जबकि आधार को लाने वाली कांग्रेस ही थी। हम लोग, सुनिए, हम लोग आधार हम लोग लेके आए थे, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और जब ये लोग जब विपक्ष में थे तो उन्होंने आधार का विरोध किया और हम लोग ये चाहते थे कि आधार जो सब्सिडी वाली जो चीजें होती हैं जनता के, मैंने जैसा आपको पहले बताया कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उस तक वो सुविधा पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, लेकिन आधार का डेटा लीक हो जाए ऐसी हमारी सोच नहीं थी, लेकिन आज तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। हमारी सोच थी कि जो व्यक्ति जिस चीज का अधिकारी है जो हक उसे मिलना चाहिए। संगीता जी, अगर किसी योजना का लाभ जनता तक नहीं पहुंचता है और जनता उस सरकार से त्राहिमाम करती है तो उसका जवाब वो चुनावों में उसे दे देती है। मैंने आपको क्या कहा कि जनता, हम तो जहाँ जहाँ जाते हैं, मुझे तो किसी भी व्यक्ति से ये सुनने को नहीं मिला कि वो भारतीय जनता पार्टी से खुश है या उसकी रीति नीतियों से खुश है। हर एक व्यक्ति। देवेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ। देवेंद्र, क्या कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह सिर्फ यही है कि सौतेला व्यवहार कर्नाटक की जनता के साथ किया जा रहा था? भानु, जैसा लगता है कि ये तो एक बहानेबाजी है, कुछ भी कहा जा सकता है, हार के कारणों को गिनाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। चूँकि वहाँ पे कांग्रेस ने अपना जनाधार खोया, जनता का विश्वास खोया, और किन कारणों से खोया ये कांग्रेस का चिंतन करने का ये एक विषय हो सकता है। इस पे वो कांग्रेस चिंतन कर सकती है बस, और मनन कर सकती है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जनता के लिए सरकार लागू करती है, ज़रूरी है कि उसमें कुछ खामियां हों, जनता को पहुंच ना पाई हों, और जनता या फिर जनता उस योजनाओं को समझ ना पाई हो, उनसे लाभ ना ले पाई हो। ये कारण हो सकते हैं और कोई कारण नहीं हो सकता। केंद्र और राज्य में मतभेद होते हैं। अगर जो दो अलग अलग सरकारें होती हैं, केंद्र में अलग सरकार हो, राज्य में अलग सरकार हो, तो उसमें मतभेद होते हैं, लेकिन यह मतभेद किसी सरकार को परिवर्तित करने, किसी सरकार को बेदखल कर दें, दूसरी सरकार ला दें, और जनता इसमें, देखिए जो संगीता जी कह रही हैं कि उसमें जनता की व्यवस्था दिखा रही हैं, लेकिन जनता विवश नहीं होती है, वो अपने निर्णय करती है, और उसने निर्णय दिया कर्नाटक में। जी जरूर, जनता सर्वोपरि होती है और जनता जो फैसला कर देती है वो सर्वमान्य होता है। खंडेला जी, क्या इस वक्त कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर है? क्या उसके पास ना कोई नीति है, ना कोई नेता है, ना नेता का बड़ा नेतृत्व है? ये सबसे बड़ी कमजोरी उभरकर इन चुनावों में कांग्रेस के सामने आई है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बैकफुट पे नहीं है, ये अपने पे नहीं है। अब तो लड़काने वाला अपना आप चलते कहीं पे नहीं जा सकता। अब मैं यहाँ संगीता जी की बात मैं कह रहा हूँ, संगीता अपने नेताओं को कह दो, अब जो जीतने वाले प्रत्याशी 2-4-10 बचे हैं कांग्रेस में, उनको हाईजैक करने के लिए अमित शाह की स्ट्रेटजी सामने आएगी। अमित शाह सामने आएगी, आप मान लीजिए। और हेलो जी संगीता जी, क्या खंडेला जी क्या बोल रहे हैं? खंडेला जी द्वारा रिपीट कर दीजिए, थोड़ा सा कनेक्शन शायद टूट रहा है, सिग्नल टूट रहा है। सही है जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ संगीता जी को, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने नेताओं को ये कह दें कि जो जीतने वाले प्रत्याशी 10-20 बचे हैं कांग्रेस में, उनको हाईजैक किया जाएगा। हाईजैक करने का मतलब समझे, इन्वर्टेड कोमा में इसको सुरक्षित रखिए। अब मगर बचेगी कांग्रेस में, सुरक्षित स्थान पर जो है जाएंगे वो। और पहले ही आपने कह दिया ना कि आंधी चलिए मोदी की, वास्तव आंधी चलिए मोदी की, अब कम से कम, और वो सुरक्षित स्थान पर जाएंगे। इसलिए जो कुछ बचे हैं उसको वो बचाए रखें। एक बात तो ये कहना चाह रहा हूँ। दूसरा मैं कह रहा हूँ, आप स्ट्रेटेजी चेंज कर लें कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, इस बात को भूल जाएं। और जो कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां हैं, जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस, लेकिन खंडेला जी राहुल गांधी तो खुद को पीएम के तौर पर देख रहे हैं। मैं यही तो कह रहा था, इसको अगर जब तक, देखिए अब मैं कह रहा हूं, मेरे ख्याल से 7 जो है राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज पार्टीज हैं, उनमें से कम से कम अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो बसपा में, सपा में, मार्क्सिस्ट पार्टी में और कांग्रेसों का अंतर नहीं, वो भी क्षेत्रीय पार्टी हो गई। अब तो क्षेत्रीय पार्टियों का नेतृत्व जो है राहुल गांधी के पास में रहे, ये छोड़ दें, ये मुकालता छोड़ दें, तो वास्तव में कुछ ना कुछ हो सकता है। अब मैं एक राय उनको बिना मांगे दे रहा हूं निःशुल्क, वो ये है कि जो कांग्रेस को पार्टियां छोड़कर गई हैं, उनमें से ममता जी को और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शरद पवार को आप मनाएं, उनकी शर्तों पर, अपनी शर्तों पर नहीं। और अगर कार्यकारी अध्यक्ष अगर आप बनाते हैं ममता जी को, तो मैं समझता हूं कि मोदी की स्टाइल में वो मुकाबला करने की स्थिति में है। और ये बेसिक परिवर्तन जब तक नहीं करेगी कांग्रेस, मैं समझता हूं कि वास्तव कांग्रेस जो है पराभव की ओर जाएगी, उसका उदय नहीं हो पाएगा। जी जी खंडेला जी, मेरा अगला सवाल प्रेम रंजन जी से है। प्रेम रंजन जी, एक तूफान आया था अभी बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, जो बेहद ही दुखदाई रहा, लेकिन ये जो तूफान आया है कर्नाटक में मोदी जी का, ये कांग्रेस के लिए बेहद दुखदाई रहा। तो क्या अब ऐसी आंधी बाकी के अन्य राज्यों में भी आने वाली है और 2019 में क्या इससे भी तेज तूफान अब आने की उम्मीद है? जरूर जरूर, ऐसे तूफान लगातार आते रहे हैं। आप जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी जो है आसाम का चुनाव हुआ है जी, उसके बाद गुजरात के चुनाव हुए हैं, हिमाचल के चुनाव हुए हैं, फिर अन्य नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में, मेघालय सहित नागालैंड, मणिपुर में चुनाव हुए। तो ऐसे कई राज्यों में चुनाव हुए हैं और उससे राज्यों में तूफान आते रहे और उस तूफान में कांग्रेस धराशायी होती रही है। अभी कर्नाटक के चुनाव में भी कांग्रेस धराशायी हो गई। तो आने वाला जो लोकसभा का चुनाव होगा वो तूफान ही होगा, जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में होगा और कांग्रेस को पूरी तरह बहा कर करके उस तूफान में ले जाएगी। उसका कहीं कोई नामो निशान भी नहीं रहने वाला है। अब देश के तीन राज्य, एक पंजाब और मिजोरम और एक पुडुचेरी, छोटे से राज्य हैं। मोदी तूफान से निपटने के लिए अब यहाँ से भी जो है उनका सफाया होना तय है। प्रेम रंजन जी, मोदी जी के इस तूफान से निपटने के लिए सभी पार्टियां एक महागठबंधन तैयार कर रही हैं लगातार। गठबंधन भी संभव नहीं है। कई ऐसे अवसर आए हैं जहाँ महागठबंधन बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन यह संभव नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए और देश के विकास के कार्यों को अवरुद्ध करने के लिए ये एकीकरण की जो ऐसे बातें करती है, तो यही संभव नहीं है कि आप देश के विकास को आप अवरुद्ध कर देंगे और उसके लिए केवल जो ऐसे आप एक होने की कोशिश करेंगे महागठबंधन बनाने की। ये संभव नहीं है। न तो कोई पार्टियों में विचारधारा है, न नीतियां है, न कोई नीति है। तो ऐसी पार्टियां कैसे साथ रह सकती है? और कांग्रेस देश की दुर्दशा के लिए सबसे ज्यादा बदनाम रही है। सबसे ज्यादा इसके लिए अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस है। बाकी पार्टियां अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के पक्ष में उसके बावजूद नहीं जाएगी, नहीं तो जनता उनको समाप्त कर देगी। जनता उनसे पूछेगी, सवाल करेगी, जो कांग्रेस ने देश को दुर्दशा किया है, बर्बाद किया है, आप उसके साथ क्यों चले गए हैं? आज तक तो आप कांग्रेस के खिलाफ लगातार लड़ते रहे, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के सपने देखते रहे, लगातार आप एक होते रहे कांग्रेस के खिलाफ। आज फिर उसी कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस के साथ आप क्यों खड़े हैं? तो जनता ही इनको नकार देगी अगर ऐसी कोई व्यवस्था अगर बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा कोई एक्सटर्नल बनाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि जनता के विश्वास को खोकर करके कोई भी पार्टियां कांग्रेस की साथ जाएगी। प्रेम रंजन जी, आपको रोकेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के हार सिद्धारमैया ने स्वीकार कर ली है। सिद्धारमैया आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। बड़ी खबर, सिद्धारमैया आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। शाम 4 बजे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सिद्धारमैया जी सौंप देंगे। उन्होंने कांग्रेस की हार को स्वीकार कर लिया है। बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से, जहां सिद्धारमैया आज अपना इस्तीफा 4 बजे राज्यपाल को सौंप देंगे। उन्होंने कांग्रेस की हार को स्वीकार कर लिया है और अब वे शाम 4 बजे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। बड़ी खबर कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई और बड़े तौर पर बीजेपी को यहां एक बड़ी जीत हासिल हुई है, जिसके बाद अब सिद्धारमैया जी ने अपनी हार स्वीकार करते हुए, कांग्रेस की हार स्वीकार करते हुए शाम 4 बजे राज्यपाल को वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे। आज वो अपना इस्तीफा दे देंगे। कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। शाम 4 बजे राज्यपाल को सिद्धारमैया अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो बड़ी खबर है, कांग्रेस की हार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्वीकार कर लिया है और शाम 4 बजे वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। जी तो जी संगीता जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है संगीता जी? हाँ जी, बोलिए जी। संगीता जी, अभी खबर आ रही थी कि कांग्रेस ने जेडीएस से गठबंधन करने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर थी कि कांग्रेस जेडीएस से हाथ मिला सकती है, तो अगर ऐसे में वो वहां गठबंधन करती है तो बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत तो सामने खड़ी हो जाएगी, सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये कितना कांग्रेस फिर अपने आप को इसमें सफल मानेगी कि वो जनता के विश्वास न जीतने के बाद भी सरकार बनाकर बैठी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में पीडीपी से हाथ मिलाया था जी, जबकि वहाँ तो विचार आवर नंबर पुट टुगेदर आर मोर देन बीजेपी, सो दिस हैज बीन डिसाइडेड इन कंसल्टेशन विद बोथ as the leaders are here and our central leadership also is in know of this, Rahul Gandhi ji, and this has been already discussed with the Devi Goda ji. So what will be the role of chief minister? The rest detail will be worked out after we give in writing to go. Thank you sir. तो गुलाम नबी जी ये बाइट दे रहे थे मीडिया में, अशोक गहलोत जी भी उनके साथ थे। तो कांग्रेस जेडीएस से हाथ मिलाने की तैयारी में है और बातचीत का दौर शुरू होने वाला है। जी संगीता जी, आप कुछ कह रही थी। मैंने यही कहा आपसे कि राजनीति में द्वार खुले रहते हैं जी, और उन द्वार का इस्तेमाल करते हुए हम सत्ता में आते हैं, तो इसमें कोई किंतु परंतु तो होता ही नहीं है। हम उस चीज को बिल्कुल निश्चित रूप से हम हासिल करना चाहेंगे जी। और अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो ये तो वो पार्टी है जिसकी ना कोई विचारधारा है ना कोई सिद्धांत है। जब हम जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि किस तरीके से एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की हमारे ये सिद्धांत और हमारे ये प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन उन सबको नकारते हुए पीडीपी से हाथ मिलाया और वहां पे इन्होंने सरकार बनाई, तो ये किस विचारधारा की बात करते हैं। और अभी प्रेमचंद जी जो कह रहे थे कि हम विकास, तो मुझे तो समझ नहीं आता कि 4 साल में कौन सा विकास हुआ या जनता के लिए आपने कौन सी योजनाएं दे दी, जबकि 4 साल में आपने किया सिर्फ इतना है कि कांग्रेस की जो योजनाएं थी उनका सिर्फ नाम बदला, और नाम बदलने के साथ सिर्फ वही काम किया। और जिन चीजों पे आप पहले विरोध करते थे, चाहे वो जीएसटी रहा हो, चाहे एफडीआई रहा हो, चाहे आधार रहा हो, इन सब का आपने पूरा विरोध किया था। और फिर एफडीआई का जब हम 49% पर लेकर आ रहे थे तो आप 100% पर एफडीआई ले आते हैं, और आधार को आप हर चीज से लिंक कर देते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आधार लिंक हो, लेकिन वो सिर्फ इसलिए लिंक हो कि किसी भी व्यक्ति का जो पैसा जो उसे मिलना चाहिए उसी तक पहुंचे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमारे डेटाज लीक हो। इसी तरीके से हम चाहे जीएसटी की बात करें तो कांग्रेस ने एक खाका तैयार किया था कि जीएसटी इस लेवल तक और ऐसे लागू होना चाहिए था, तब आप विरोध कर रहे थे। और आज आपने जीएसटी लागू किया तो 28% तक लागू कर दिया, तो जनता तो इन चीजों को समझ रही है। और अभी तो ये विधानसभा चुनाव से और 2019 के चुनाव में आप देखेंगे कि मोदी जी की जो रीति नीति है यह झूठ है, फरेब है। और इन्होंने अभी कर्नाटक चुनाव में खुद कहा, पहले इनके अमित शाह जी कह चुके हैं कि चुनाव में जुमले बोल दिए जाते हैं, अभी मोदी जी ने कर्नाटक चुनाव में कहा। तो ये सारी चीजें हैं कि 2019 में देखेंगे कि क्या होने वाला है। और जहां और 2019 में तय होगा कांग्रेस का भविष्य भी और अन्य पार्टियों का भविष्य भी। ऐसे में अगर बीजेपी लगातार कांग्रेस के किले ढहाते जा रही है, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना जो नरेंद्र मोदी जी ने गढ़ा था वो कहीं ना कहीं बीजेपी साबित करके दिखाना भी चाह रही है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि ऐसा होना संभव नहीं है। खंडेला जी देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी संगीता जी इस तरह से बात कर रही है, वो सब बातें सत्य हैं उनकी, लेकिन सवाल ये कि जनता तक पहुंच नहीं जाती, मतलब जनता की बात पहुंचती नहीं है। हर जगह गुजरात हुआ, कर्नाटक हुआ, अब मैं कह रहा हूँ क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि चिंतन जिन शून्य हो गया है। आपके कार्यकर्ता केवल फोटो खिंचवाने के लिए होते हैं या फेसबुक पर ये कहते हैं कि अब खंडेला जी मुख्यमंत्री जी इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। संगीता जी आपका चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, खंडेला जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रेम रंजन पटेल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़े रहने के लिए। तो कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनना अब तय हो चुका है, सिद्धारमैया 4 बजे इस्तीफा देंगे और राज्यपाल को वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। फिलहाल कर्नाटक का किंग प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।